इस वक्त आ रही एक बड़ी अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर किन्नौर जिले से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, छितकुल ट्रैकिंग में दरअसल 8 ट्रैकर्स फंसे हैं। इसी के साथ साथ जानकारी आपको ये भी दे दें कि 3 लोगों के लापता होने की भी खबर सामने आई है। तो 3 लोगों के लापता होने की खबर सामने आई डीसी किन्नौर ने। पान सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं, तो आईटीबीपी के जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सर्च ऑपरेशन के लिए रवाना हो चुके हैं आईटीबीपी के जवान। छितकुल ट्रैकिंग में दरअसल 8 ट्रैकर्स फंसे, 3 लोगों के लापता होने की भी सूचना है और डीसी किन्नौर ने इस बात की जानकारी दी। आबिद हुसैन इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल जुड़ चुके हैं लाइव। आबिद हुसैन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 8 ट्रैकर्स के फंसे होने की जानकारी मिल पा रही है, इसके साथ साथ 3 और लोग भी फंसे हुए हैं, क्या अपडेट इसको लेकर, और क्या आईटीबीपी के जवान कितने बजे ऑपरेशन के लिए रवाना हुए थे? पहले तो मैं ये बताऊं, ये 17 लोगों का एक ग्रुप जो था जिसमें 8 ट्रैकर्स और बाकी जो स्टाफ था उनका, वो सारे ये उत्तरकाशी से निकले थे। छितकुल इनको पहुंचना था और ये 14 तारीख को निकले थे, इनको 21 तारीख को यानी आज यहाँ छितकुल पहुंचना था, बट क्योंकि बीच में बर्फ गिरी और ये जो पोर्टर है इनसे छूट गए, और जो पोर्टर हैं जो 6 लोग हैं वो उनमें से 4 लोग हमारे पास कल आए, एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने कॉन्टेक्ट किया कि हमसे ये लोग जो है मिस हो गए हैं, छूट गए हैं, हम वापस जाने की कोशिश भी कर रहे हैं उनको लेने के लिए, लेकिन बर्फ इतनी गिरी हुई है कि हम जा नहीं पाए। तो हमने तुरंत ही फिर आर्मी, आईटीबीपी, पुलिस जो है सबने कार्रवाई शुरू कर दी है। आईटीबीपी आज सुबह 4:30 बजे, मैं बताऊं 4:30 बजे निथला था जो हमारा लास्ट का पोस्ट है, वहां से वो निकले हैं रेस्क्यू करने के लिए। बट एट द सेम टाइम हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने, जनरल जीओसी जो बरेली में बैठते हैं उनसे बात करके, आर्मी के चॉपर्स भी जो है रवाना हो गए हैं अब हर्षिल से जहां से इन्होंने ट्रैक शुरू किया था, वहां आर्मी का बेस है, वहां से इस वक्त जो है रेस्क्यू टीम जो है आर्मी की भी निकली हुई है चॉपर में, जो ये जिसमें हाई ऑल्टीट्यूड के जो ट्रेंड मैन पावर है इनका आर्मी का, वो उनके साथ गया है कि वो अगर उनको लोकेट हो जाते हैं तो वो उनको रेस्क्यू करते हैं। तो दोनों तरफ से इस वक्त रेस्क्यू चला हुआ है, इसमें 8 ट्रैकर, 1 गाइड और 2 कुक जो है अभी फंसे हुए हैं। टोटल 11 लोग फंसे हुए हैं ये, बट अभी इनकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं है। आपके पास लौटूंगी क्योंकि हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर, आपके पास क्या अपडेट है? जी देखिए, जिस प्रकार से किन्नौर में लगातार बर्फबारी जारी थी, देखते हुए जहां तक हमारे छितकुल के जो स्थानीय लोगों से संपर्क हुआ, वहां पर काफी क्लाउड था और भारी बर्फबारी हुई है, जिसके चलते जो है वहां पर लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती थी। जैसे कि पहले ही बता दिया है, भारी बर्फबारी से जो ट्रैकिंग में दिक्कत आई होगी जरूर, वहां से उत्तराकाशी वाला जो ट्रैक है जो जिला किन्नौर के उस एरिया में पहले भी जो है कुछ ट्रैकर्स फंसे हुए थे, तो इस वक्त जो है उत्तराकाशी से जो ट्रैकर जो निकले हैं, जो वहां पर बादल है बहुत ज्यादा रहता है छितकुल के जो घाटी में, तो उस वजह से शायद वो जो है वहां पर रास्ता भटक गए होंगे। जी महिमा जी, अनिल आप हमारे साथ बने रहे, आबिद हुसैन भी हमारे साथ डीसी किन्नौर जुड़े हुए हैं। आबिद हुसैन जी, ये जो खबर सामने आई है उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है कि संपर्क कब, जो ट्रैकर्स गायब हो चुके उनका कटना शुरू हुआ है, कब उनका संपर्क कटा था और कहां से? ये लमखिया का पास है जहां से संपर्क कटा था जी। ये जो है 17 तारीख से ही इनका जो है कोई संपर्क नहीं है किसी के साथ भी। ये 14 तारीख को निकले थे वहां पर, 3 दिन इन्होंने बीच बीच में रुके हैं, टेंट लगाए थे, बट जब 17th को जो है इनका पोर्टर भी इनसे छूट गए थे, तो उसके बाद इनका कोई पता नहीं है। हमें कल ही पता चला है, कल इवनिंग में हमें पता चला कि ऐसी कोई घटना हुई है, तो हमने तुरंत ही जो है इसमें कार्रवाई करना शुरू करा। पोर्टर्स के साथ हमने सॉर्ट ऑफ उनके साथ बातचीत करी, वो अभी भी हमारे पास पुलिस स्टेशन सांगला में है, उनसे बातचीत करी कि आपने उनको क्यों छोड़ा। उन्होंने अपने रीजंस बताए कि हम आगे चल रहे थे, पीछे से हमें दिख नहीं रहा था, तो हमने सोचा हम आगे जाके आर्मी की हेल्प लेते हैं।
तो ये सारा कुछ इनका इनका इस मामले में अब यही सामने आता है कि थोड़ा क्रिटिकल इशू हो गया, क्योंकि 3-4 दिन से 17 से कोई भी उनके साथ कोई भी राबता नहीं है ट्रैकर्स के साथ, और वो 3-4 फुट बर्फ के आसपास में है, तो बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गया है। इसीलिए जो है ये तुरंत ही सुबह सुबह हमने आर्मी और आईटीबीपी का ऑपरेशन शुरू किया है इनको रेस्क्यू करने के लिए। जी आप तो सैन जी, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन यहाँ पे, हालांकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी आपकी तरफ से भेजा जा चुका है, प्रशासन की तरफ से भेजा जा चुका है। जानना ये चाहेंगे कि बर्फबारी इस तरह से अगर आगे होती है और ट्रैकर्स अगर इसी तरह से आगे चलते हैं, हिदायतें हालांकि प्रशासन की तरफ से दी जाती है कि आगे ना जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जाते हैं तो प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? नहीं, इसमें देखिए, ये हमारे एरिया से नहीं निकले, इनकी जो परमिशन है वो डीएफओ और एसडीएम ने उत्तराखंड की साइड उत्तरकाशी से दी है। हमें तो कोई इसकी ना इंटीमेशन है कि ये लोग आ रहे हैं, ना ही उन्होंने हमें कोई कॉपी किया वहां के प्रशासन ने कि ये लोग यहाँ आ रहे हैं। जबकि आई एग्री विद यू कि जबकि इस वक्त जो थी फोरकास्ट अच्छा नहीं था, इस अक्टूबर के मिड में वैसे भी खतरा होता है पहाड़ों में बर्फ गिरने का, तो परमिशन देना एक सवाल है कि भाई परमिशन क्यों दिया गया। बट हमने यहाँ से, हमें कोई इंटीमेशन नहीं थी हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे स्टेट में, देयर वाज नो इंटीमेशन अबाउट द ट्रैक, हमें कोई नहीं बताया गया। हमें तो कल जब पोर्टर मिले तब हमें पता चला कि हमारी तरफ लोग आ रहे हैं, और हम जो है हमने जो है तुरंत ही उसका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जी शुक्रिया आबिद हुसैन जी, अनिल कुमार इस तमाम जानकारी के। तो आपको बता दें कि डीसी किन्नौर आबिद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि सूचना फिलहाल नहीं मिली थी कि जब जो ट्रैकर्स है वो उत्तराखंड से चलते, फिलहाल अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है इस वक्त।